जांजगीर चांपा जिला कांग्रेस कमेटी ने कचहरी चौक में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखा। सत्याग्रह के दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का राहुल गांधी के खिलाफ अनैतिक तरीका अपनाकर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। साथ ही अडानी और मोदी के संबंधों का खुलासा करने से मोदी का बौखलाकर कार्यवाही करना बताया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद आर्थिक व्यवस्था चरमराने का भी आरोप लगाया। भारतवर्ष में सिर्फ एक व्यक्ति के निर्देश पर सारी संस्थाएं निर्णय ले रही हैं। हमारे देश को अधिनायकवाद के रूप में चलाया जा रहा है, हिटलरवाद के रूप में चलाया जा रहा है, देश को चीन और रूस की नीतियों की तरफ अग्रसर किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में आवाज़ बुलंद करने वाले हमारे नेता राहुल गांधी जी को चुप कराने के लिए षड्यंत्रपूर्वक लोकसभा सदस्यता से पृथक किया गया है। उसके विरुद्ध में हम समस्त कांग्रेस जन ब्लॉक स्तर में सत्याग्रह करके उसका विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। असंवैधानिक रूप से राहुल जी की सदस्यता को खत्म किया गया है, क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ और अदानी के संबंधों पर लगातार बोल रहे थे। आने वाले समय में वो ना हो, आने वाले समय में उसे बचने के लिए असंवैधानिक रूप से राहुल जी की सदस्यता को खत्म किया गया है। पूरे देश में प्रदेश स्तर पर जिला एवं हर ब्लॉक मुख्यालय में आज समस्त कांग्रेस जन पदाधिकारी कार्यकर्ता हम लोग बैठे हैं और हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं इस तानाशाह रवैये के खिलाफ। जिस तरह के अभी हम लोगों को इस बात को हर जन जन तक पहुंचाना है और जैसा पार्टी का निर्देश होगा आगे आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच।